कक्षा 10 में आज गणित विषय में हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। हम लोग 90 θ से आधारित त्रिकोणमितीय अनुपात देख चुके हैं। पिछले दिनों से प्रश्नों पर का अध्ययन किया जा रहा है, उसी के चलते आज हम लोग एक प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि ध्यान से हम लोग देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन है sin 45 डिग्री अपान cos 42 डिग्री प्लस cos 48 डिग्री अपान sin 42 डिग्री इक्वल टू 2 के बराबर सिद्ध करना है। प्यारे बच्चों ध्यान से हम देखेंगे, ये इसके बराबर 2 को हमको सिद्ध करना है। आइए हम 2 के लिए सिद्ध करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है sin 48 डिग्री अपान cos 42 डिग्री प्लस cos 48 डिग्री अपान sin 42 डिग्री। इसको देखते हैं। अब एक के में जैसा कि हमने कल बताया था, इस तरह के प्रश्नों के मान एक आते हैं और ऐसे प्रश्नों के मान भी एक आते हैं, तो यहाँ का एक मिलके राइट हैंड साइड 2 के बराबर हो जाएगा। लेकिन वो एक आएगा कैसे, हम वही 90 θ का प्रयोग करते हुए अंश या हर में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। आइए हम देखें, ऊपर का जस का तस रहने दीजिए, साइन 48 डिग्री को ज्यों का त्यों और कास 42 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 - -48 डिग्री। आप देख लो 10 में से 8 गया 2 हो गया, यहाँ बचा 8, 8 में से 4 गया 4 आ गया। 42 डिग्री की जगह पर ये चीज़ लिखी जा सकती है। इसी प्रकार चाहो तो यहाँ भी आप हर को ही चेंज कर लो, अंश को जस का तस रहने दो, कास 48 डिग्री ऊपर रहने दीजिए और साइन को यहाँ आप 90 - -48 डिग्री कर दो। 90 में से 48 घटाओगे इस 42 के बराबर आ जाएगा। ध्यान से अब देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। ऊपर हो गया साइन 48 डिग्री और बटा हो गया कास 90 θ, साइन थीटा के बराबर होता है, इसलिए यहाँ हो गया साइन 48 डिग्री। और इसी प्रकार से कास 48 डिग्री में कोई परिवर्तन नहीं करना है और साइन 90 θ कास थीटा के बराबर यानी कास 48 डिग्री यहाँ हो जाता है। ये पूरे का मान आपको एक हो जाएगा, इस पूरे का मान आपका कटने के उपरांत एक हो जाएगा, दोनों मिलके 2 आ जाएंगे, हो जाएगा राइट हैंड साइड। हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो गए और लास्ट में लिख देंगे प्रूव्ड, प्रूव्ड प्रूव्ड। प्यारे बच्चों या ऐसे सवाल यदि हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं जो एक नंबर के पूछे जाएंगे, आपको अधिकतम 2 नंबर के पूछे जाएंगे, आप इस प्रकार से इन्हें सिद्ध कर लोगे। ठीक इसी प्रकार से आप इन क्वेश्चन को देख लो, नोट भी कर लो। आगे हम NCERT पर आधारित और भी क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, प्रश्न नंबर हमारा 2 है, एक प्रश्न 2 है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे NCERT के पाठ्यक्रम के अनुसार। साइन स्क्वायर 63 डिग्री अपान नहीं प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा में आ जाइए कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। कहता है कि इसका मान क्या होगा, का मान ज्ञात करना है। आपके सामने एक समस्या खड़ी आ गई कि स्क्वायर के रूप में दिए गए हैं, ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। विचार कीजिए, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। ये तो जान ही लीजिए कि ये त्रिकोणमिति अनुपात पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात पर आधारित यह क्वेश्चन दिया हुआ है, परंतु कुछ और भी इसमें जुड़े हैं, उन्हें हम ध्यान से देखें। स्क्वायर से हमें कोई लेना देना नहीं,
इसमें से किसी एक को बदलना होगा पूरक कोणों के मानों के आधार पर। आप साइन स्क्वायर 63 डिग्री को जस का तस रहने दीजिए और इस साइन स्क्वायर 27 डिग्री के जगह पर आप 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री लिख लीजिए, ना 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, 90 डिग्री में से 63 डिग्री घटाएंगे 27 आ जाएगा, यानी 27 का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से नीचे भी आ जाइए, चाहे आप इन्हें बदल लीजिए, चाहे आप इन्हें बदल लीजिए, किसी एक को बदल लें लीजिए। हम इसको ही चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ आप लिख दीजिए कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, 90 डिग्री में से 73 डिग्री घटाएंगे 17 डिग्री के मान प्राप्त होंगे, और एक को बदलिए तो एक को छोड़ दीजिए, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ऊपर हो गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर से नहीं, मतलब साइन 90 माइनस थीटा का ही आप स्वरूप ले जाएंगे, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। नीचे आ जाइए, ये कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, यहाँ साइन 73 डिग्री प्लस आप कॉस 70 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री इस प्रकार से लिख लीजिए। प्यारे बच्चों हम थोड़ा सा अपना दिमाग पीछे की ओर ले जाएं, एक हमको सूत्र की जानकारी पहले ही कराई गई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस थीटा के जगह पर कोई भी अंश के मान दिए गए हों, अगर वो मान इसके साथ जुड़ते हैं तो वो मान आपको 1 के मान के बराबर प्राप्त हो जाते हैं। आइए देखिए, अगर यह सूत्र हमें याद है तो यह सवाल तुरंत लग गया, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, दोनों ही थीटा के जगह पर 63 हैं, ऊपर का मान 1 हो गया, उसी प्रकार नीचे का भी मान 1 हो गया, बराबर 1 आ गया, ये हमारा हो गया उत्तर। जहां तक मुझे उम्मीद है आप इसे हल कर चुके होंगे, देख भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चंस और अगर हमें देखा जाए तो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ लेते हैं, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, यह भी हमारे एनसीईआरटी का ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों देख लीजिए, इसमें से किसी एक को का आपको चेंज करना होगा, आइए हम दूसरे को ही चेंज कर लेते हैं, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, 90 में से 31 घटाओगे 59 पाओगे, क्या होगा कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, आप यहाँ कोसेक 31 डिग्री ले जाओ, कोसेक 31 से कोसेक 31 निकल गया, बराबर हो गया 0, ये आपका मिल गया आंसर। इसी प्रकार अन्य भी क्वेश्चंस हमारे हैं जिन्हें हम हल करेंगे। प्यारे बच्चों इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सवाल लिखा हुआ है सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री हो तो आप a का मान ज्ञात करो, a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए, चलते हैं हम लोग सेक 4a, आ जाइए कहीं एक किनारे आपको दिखा दूं, चूंकि देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस अगर 4a लिखा जाए, कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a लिखा जाए तो कोसेक 90 माइनस थीटा सूत्र होता है हमारा, सूत्र होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, ये तो हमारा सूत्र है, इसके आधार पर कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a लिखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
sec 4a लिख सकते हैं, इसको sec 4a लिख सकते हैं। तो क्या जब मैं इस चीज को sec 4a लिख सकता हूं तो इस sec 4a की जगह पर ये चीज भी लिखी जा सकती है। आ जाइए इस sec 4a की जगह पर, आप मान रख दीजिए, लिखेंगे बाएं पक्ष में, बाएं पक्ष में मान रखने पर, यहां मान रख दीजिए और मान रख के क्या पाएंगे, कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a और बराबर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को जस का तस रहने दीजिए, आ जाइए कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब आपको प्रश्न हल करने में एक मिनट लगेंगे, दोनों तरफ ये कोसेक के ही मान है, इन्हें हटा दीजिए तो क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। आप इन्हें पक्षांतर कर लीजिए, कोणीय मान एक तरफ ला दीजिए तो 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री और बराबर a प्लस 4a, ये 4a उधर चला जाएगा। पता चला कि ये क्या हुआ, 110 डिग्री बराबर हो गया क्या 5a, इसलिए a बराबर 110 डिग्री बाई 5 इक्वल टू 5 × 10 यानी 22 डिग्री के बराबर हो गया। आंसर मिल गया a बराबर कितना 22 डिग्री। इस प्रकार के हमारे बुक्स में और भी प्रश्न हैं, जैसे कि मैं एक आध दो प्रश्न आपको लिख दे रहा हूं, आप उन्हें हल करेंगे लगाएंगे, अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप पूछिएगा। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही आनी चाहिए, कुछ नहीं किया था हमने, केवल इसके इस sec 4a के जगह पर ये व्यवस्था बनाकर हमने मान लिखाया था। आइए देखिए आगे क्वेश्चंस, इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूं जिसे आप स्वयं लगाएंगे। साइन 3a पहला क्वेश्चन होगा, साइन 3a बराबर कास a माइनस 26 डिग्री, तो a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान ज्ञात कीजिए, आपको a का मान ज्ञात करना है। दूसरा सवाल है साइन 36 डिग्री प्लस कास 36 डिग्री बटा कास 54 डिग्री प्लस साइन 54 डिग्री बराबर 1 सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करो, इसको आप सिद्ध करेंगे। तीसरा सवाल एक हम लोग और लिख लेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, तो a का मान बताना है, जहां 2a हमारा एक न्यून कोण है, शर्त लगी है कि 2a न्यून कोण है और a का मान निकालना है, और यह 2a जो है न्यून कोण है, यहाँ 3a न्यून कोण है। आइए एक आध सवाल और आपको देखते हैं, एक आपको और सिद्ध करने के लिए सवाल दे रहा हूं, सिद्ध करना है क्या है, सिद्ध करना भाई, सिद्ध करना है sec 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री ये बराबर 2 के बराबर सिद्ध करना है। इस प्रकार से हमारे 4 क्वेश्चंस मिल गए हैं, 4 क्वेश्चंस आप लगाएंगे। धन्यवाद।